इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह में बिजली के निरखों में मुसलसल इजाफा। एक यूनिट का निरख 50 रुपए से भी बढ़ गया है। एक तरफ नित नए सरचार्जेज आए तो दूसरी तरफ टीवी और रेडियो के लाइसेंस फीस का बोझ भी बिजली सार्फीन पर डाल दिया गया। बिजली पर सब्सिडी भी खत्म कर दी गई है। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फीन पर मजबूरी तौर पर 3000 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला गया। इत्तेहादी हुकूमत के दौर में बिजली के निरखों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिजली की फी यूनिट कीमत 50 रुपए से भी बढ़ गई। 16 माह में बिजली के बुनियादी टैरिफ में तकरीबन 13 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया। महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 32 रुपए 21 पैसे फी यूनिट का इजाफा। सेमाही एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली के दाम 16 रुपए 34 पैसे फी यूनिट बढ़ाए गए। इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह में फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट कीमत में सिर्फ 2 रुपए 31 पैसे फी यूनिट कमी की गई। इस अरसे में महाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में सार्फीन पर 320 अरब रुपए का बोझ, जबकि सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में सार्फीन पर 500 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। इसी दौरान बिजली के बिलों पर 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट सरचार्ज आयद हुआ और 15 रुपए फी बिजली बिल रेडियो सरचार्ज भी लगा दिया गया। बकाया जात कीमत में 8 माह में 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। पीटीआई दौर में बिजली बिलों पर सनअती सार्फीन को दिया जाने वाला 5 रुपए का रियायती पैकेज और 3 रुपए 60 पैसे फी यूनिट किसान पैकेज खत्म कर दिया गया। इत्तेहादी हुकूमत में बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फीन पर मजमूई तौर पर 3000 अरब रुपए से जायद का बोझ डाला गया। 16 माह की कारकर्दगी पर वफाकी वजीर तवानाई कहते हैं कि इत्तेहादियों के साथ फैसला साजी में मुश्किल दरपेश रही, ताहम बेहतरी के लिए किरदार अदा करते रहे। अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक इस वसी बुनियाद हुकूमत ने पाकिस्तान के बिजली के नेटवर्क में 5063 मेगावाट नई बिजली शामिल की है। 2-3 और बड़ी अहम ट्रांसमिशन लाइन्स थी जिनका संगे बुनियाद रख दिया गया है। एक सुखी किनारी में इस वक्त जो प्रोजेक्ट जेरे तामीर है, इंशाल्लाह अगले साल सिस्टम में आएगा। हर दौर की तरह इत्तेहादियों ने भी बिजली की कीमतों में इजाफा तो किया, लेकिन बिजली चोरी और गर्दिशी कर्जे जैसे मसाइल बेकाबू ही रहे।